नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो अपने चिरपरिचित शैली में, जैसे उन्होंने बोला था ना एक बार कि शस्त्रहीन सैनिकों, तो उसी शैली के अनुसार उनका बयान आधारहीन, तर्कहीन, पथहीन और बुद्धिहीन है। और इस आधार पर आक्षेप लगाने का एक विफल प्रयास मात्र है। उन्होंने उसमें बड़ा रणनीतिक परिपेक्ष यानी स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड देने का प्रयास किया है चाइना के संदर्भ में, कि ग्वादर है उस डिजाइन का हिस्सा, वन बेल्ट वन रोड है। अब क्या बताया जाए, ये वन बेल्ट वन रोड कहां से गुजरता है? पाक अधिकृत कश्मीर से। अब क्या याद दिलाया जाए वो कहां से शुरुआत है? ग्वादर कहां है? बलूचिस्तान में। क्या याद दिलाया जाए कि ये कहां से समस्या कहां पहुंची थी? और मैं ये कहना चाहूंगा कि डिजाइन क्या है, राहुल गांधी जी को समझते समझते चार पीढ़ी लग गई। यह डिजाइन तो आज से 60-62 साल पहले ही स्पष्ट थी। मैं आप सब लोगों को सुलभ संज्ञान के लिए स्मरण कराना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, दोज हु नो इट एंड दोज हु डू नॉट नो इट, कि 6 अक्टूबर 1957 को चाइना के एक अखबार ने स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि चाइना ने उस इलाके में सिक्यांग से तिब्बत तक सड़क बना ली है। और इस बारे में 3 फरवरी 1958 को भारत के विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री जी को लिखा। मैं डिजाइन की बैकग्राउंड याद दिला रहा हूं। और 4 फरवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं कि ये सारे विषयों के ऊपर बातचीत की जाए, और एक शब्द वो प्रयोग करते हैं कि चाइना के साथ इनफॉर्मल चैनल से बात की जाए।